मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आओ मेरे प्रिय भाई बहनों, उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करें जिसने हमें रात भर संभाल के रखा, हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी से बचा के रखा। हालेलुया, क्योंकि वह अपने चुने हुओं की रक्षा करता है। हालेलुया, तो आओ उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। वह महान है और प्रतिदिन हमें उस मार्ग पर ले चलता है जिस मार्ग की हमें ज़रूरत है। तो आइए उस जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे रात भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हर एक उन मुसीबतों से प्रभु जी, हर एक उन दुर्घटनाओं से प्रभु जी, हर एक उन अचानक आने वाले संकटों से प्रभु जी, हर एक उन अचानक आने वाले रोगों से प्रभु जी, हर एक उन अचानक आने वाले बीमारियों से प्रभु जी, आपने मेरी रक्षा की प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, कि स्वर्ग और पृथ्वी में सिर्फ एक नाम है जो महिमा की योग्य है मेरे पिता परमेश्वर। हम यीशु राजा आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर सभा के लिए मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी आपने हमें अब तक सुरक्षित रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब हम इस दिन को शुरू करें प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर आपकी कृपा, आपकी दृष्टि हम पर बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक काम को प्रभु जी हम आपके नाम से शुरू करें, क्योंकि आपका वचन कहता है, वचन में या काम में जो भी करो यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपको पिता परमेश्वर सबसे पहला आदर दें, पिता परमेश्वर आपको पहला आदर सम्मान दें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप मुझ में होकर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने कार्यों को पूरा करें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं नहीं जानता किसकी क्या ज़रूरत है आज की सुबह के लिए मेरे पिता परमेश्वर, किसी की जॉब की कमी है पिता परमेश्वर, रोजी रोजगार में कमी घटी है मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक 3:16 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप अनंत जीवन देने वाले हो पिता परमेश्वर, आप सुख का जीवन देने वाले हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी उसके साथ दुख नहीं हो सकता प्रभु जी। पिता परमेश्वर सुनने वाले हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी उनकी ज़रूरतों को पूरा करें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और प्रभु जी आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी राजाओं के राजा,
हम आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, स्तुति हो महिमा हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो शादीशुदा हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उन्हें वो हृदय वो मन दें जिससे वो आपकी पिता परमेश्वर बातें समझकर प्रभु जी एक दूसरे से प्रेम रख सकें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर एक दूसरे पर भरोसा रख सकें मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा हृदय ऐसा मन दे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा यीशु के नाम से दूर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आपके बेटा बेटी के लिए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी जवान लड़का लड़की के लिए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी पिता परमेश्वर हरेक उन गलत विचारों से प्रभु जी उन्हें दूर रखना पिता परमेश्वर, उनकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर, उन्हें समझ और बुद्धि देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपसे बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना मांगे उल्हाना देता है और उसको दी जाएगी। प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान से तृप्त कर मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद बात करते हैं। प्रार्थना करते हैं आपके दास दासियों के लिए प्रभु जी, जो आपका वचन हर एक दिन हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी, आप उनकी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आने जाने में पिता परमेश्वर जिस गांव जिस क्षेत्र में जाएं, शरीर तो उनका है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन उसमें बसी हुई आत्मा आपकी है पिता परमेश्वर। प्रभु जी अगुवाई करना मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, रक्षा करना मदद करना सहायता करना प्रभु जी पिता परमेश्वर। जिस गांव में जाए आशीषित हो वो गांव मेरे पिता परमेश्वर, आशीषित हो वो घर जिस घर में प्रभु जी पनाह लें मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। बहुत से लोग वहां पर मन फिराने पाए प्रभु जी, जिससे वो अपना जीवन प्रभु जी आपको देने पाए प्रभु जी, आपको महिमा करें पिता परमेश्वर, आपको आदर दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने बनाने वाले परमेश्वर की बड़ाई करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, और आगे का समय पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे बोल चाल से उठने बैठने से प्रभु जी किसी को ठेस ना लगे, ना हम किसी का ठेस का कारण बने प्रभु जी, मेरी मदद और सहायता करें यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।